हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप यहां पर देखने वाले एम ए के वर्सेस बी ओ एस ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, यानी कि गाइस जो आपको एम ए के वर्सेस बी ओ एस के बीच में यहां पर सापिजा क्रिकेट लीग टी ट्वेंटी का कल का जो आपको फर्स्ट मैच जो मॉर्निंग में खेला जाता दिखेगा, इस मैच को गाइस आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। फुल डिटेल एनालिसिस गाइस आपको इस मैच की इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को गाइस शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाय चांस अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं करता है तो आपको अपने टेलीग्राम में जाना है, जहां पर जाकर आपको सर्च करना है @SK11Expert कैपिटल लेटर में ही गाइज आप सर्च करिएगा। उसके बाद गाइज आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 2900 से ज्यादा लोग ज्वाइन है, ठीक है। लगभग 3000 लोग होने वाले हैं गाइज, तो आप भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस मैच की जो फाइनल टीम अपडेट मिलेगी वो गाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, तो आपके लिए ज्वाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है। सो आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर गाइस आपके लिए सब कुछ फ्री है, ठीक है, तो आप अच्छे से देखकर हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पर ही ज्वाइन करिएगा, बिकॉज दो फेक चैनल भी आपको टेलीग्राम पर हमारे नाम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देखकर हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पर ही ज्वाइन करिएगा। अब सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम एम ए के टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टीम अभी तक टूर्नामेंट में 5 मैचेस खेली है, 2 जीती है और 3 हारी है, ठीक है। इनके लिए यहाँ पर मोहम्मद शहजाद ओपनिंग कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं सैदुकल्ला अतल, 1 डाउन पर है अलानू, 2 डाउन पर है असगर अफगान, 3 डाउन पर आई अहमद, 4 डाउन पर गुलवदीन नए, 5 डाउन पर एन खान, 6 डाउन पर एम हामकर, फिर बॉलर हैं इनके 3 जाहिर खान, एम हमजा और आमिर हमजा, ठीक है। कुछ इस प्रकार की गाइज आपको एम ए के टीम की प्लेइंग 11 खेलती दिख सकती है, ठीक है। साथ में गाइज मैंने स्टैट्स भी देख लिए, तो आप हर एक प्लेयर का यहाँ पर अच्छे से स्टैट्स भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम मोहम्मद शहजाद के बारे में बात करें तो उनका टूर्नामेंट कुछ भी खास नहीं गया है, बस अगर मैं 21 रन को छोड़ दूँ उसके अलावा कुछ भी खास पूरे टूर्नामेंट में वो नहीं कर पाए, ठीक है। उसके अलावा सैदुकल्ला अतल, इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया 3 इनिंग में, ठीक है, 2 मैच तो खेले ही नहीं है। आला नूर यहाँ पर फर्स्ट मैच में 5 नॉट आउट, उसके बाद 2 मैच खेले नहीं, 1 मैच में बैटिंग नहीं आई और रिसेंट मैच में 30 रन लेकिन बहुत स्लो खेले, ठीक है। फिर असगर अफगान है गाइस, जिनकी रिसेंट इनिंग काफ़ी अच्छी रही है 63 रन की, उसके अलावा 1 22 रन की भी इन्होंने इनिंग खेली है, ठीक है। ये प्लेयर कमाल के गाइस आपको पता ही है, फॉर्मर कैप्टन है अफगानिस्तान टीम के, ठीक है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। फिर आई अहमद है गाइस, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव रहे, ठीक है, 55 यहाँ पर 15 नॉट आउट, 38 नॉट आउट, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पारियाँ इन्होंने खेली है अभी तक टूर्नामेंट में, साथ में 3 ओवर की बॉलिंग भी की है लेकिन विकेट इनको नहीं मिला है, ठीक है। फिर गुलबदीन नेव है, आपको पता ही है, अफगानिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में कैप्टनसी भी कर चुके हैं 2019 के वर्ल्ड कप में, काफ़ी अच्छे क्वालिटी ऑलराउंडर हैं। बैटिंग से देखेंगे परफॉर्मेंस तो 37 27 नॉट आउट, 11 नॉट आउट अच्छा रहा है, साथ में बॉलिंग थोड़ी कम की है, 11 ओवर की ही बॉलिंग की है गाइस अभी तक 5 मैचेस में, ठीक है, जिनमें इनको 2 विकेट मिला है, ठीक है। फिर आते हैं एन खान के ऊपर, यहाँ पर ये नॉट आउट ही गए हैं बार बार, 6 नॉट आउट, 10 नॉट आउट और 29 नॉट आउट, साथ में 12 ओवर की बॉलिंग में इनके नाम पर 3 विकेट है, ठीक है। एम हमकर के बारे में बात करूँ तो एक ही मैच खेले जिसमें 3 ओवर में 25 रन देकर कोई विकेट नहीं। जाहिर खान का गाइस देखेंगे तो 5 मैचेस में इन्होंने टोटल 19 ओवर की बॉलिंग की है जिसमें 6 विकेट हैं। मीर हमजा के 20 ओवर की बॉलिंग में 7 विकेट हैं और आमिर हमजा के 18 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट हैं, ठीक है। तो ये गाइस हमने एम ए के हर एक प्लेयर का एकदम अच्छे से स्टैट्स डिस्कस कर लिया, बैटिंग बॉलिंग दोनों का। बेंच के प्लेयर्स की बात करूँ तो रियाज हसन है, ठीक है, जो कि बैटर हैं, अगर खेलते हैं तो या तो आपको ओपनिंग या फिर 1 डाउन पर दिखेंगे। ईशान उल्ला कटाउ जाइवी हैं जो कि ओपनर हैं, खेलते हैं बाई चांस तो ओपनिंग करेंगे अतल की जगह पर, ठीक है। और बिलाल समी भी हैं गाइस, जो कि 2 मैच खेले जिसमें 6 ओवर की बॉलिंग में उनके नाम पर यहाँ पर 1 विकेट है, ठीक है। तो ये गाइस हमने एम ए के टीम के बारे में एकदम अच्छे से सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम दूसरी टीम पर आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है बीओएस की, ठीक है। ये 5 मैचेस खेली है और 5 जीती है गाइस, ठीक है, बहुत अच्छा खेल रही है। इनका अगर आप प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखेंगे तो इनके लिए अफसर जजाई, इनके विकेट कीपर ओपनिंग कर रहे हैं हसन इजाकिल के साथ, 1 डाउन पर इनके कैप्टन हसमतुल्ला शहीदी हैं, 2 डाउन पर हैं सिनवारी, 3 डाउन पर मुनीर अहमद, 4 डाउन पर सुलेमान सफी, 5 डाउन पर अब्दुल रहमान, 6 डाउन पर हैं जियाउर रहमान, फिर इनके 3 बॉलर हैं एम सलीम, फजल हक फारूकी और अहमद जिया, ठीक है। बेंच पर इनके पास फरहान जाखिल हैं जो कि ओपनर हैं, टीम चाहे तो इनको
खिला सकती है। ठीक है, तीन इनिंग का आप इनका स्टैट्स देख सकते हैं। इब्राहिम सफी भी हैं गाइस, काफ़ी अच्छे बॉलर, अच्छी बॉलिंग भी की है टूर्नामेंट में, तो टीम चाहे तो इनको भी अंदर ला सकती है यहाँ पर अहमद जिया की जगह पर। ठीक है, और ज़्यादा चेंजेस मैं इनकी टीम में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब गाइज यहाँ पर आप स्टैट्स भी देख सकते हैं हर एक प्लेयर का। सबसे पहले अगर मैं अफसर जजाई की बात करूँ तो अच्छे विकेट कीपर बैटर हैं, रिसेंट में अफगानिस्तान के लिए भी खेले हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए। 128 रन की इनिंग की अगर मैं छोड़ दूँ तो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए। फिर हसन ईजा खेल, दो इनिंग अच्छा खेले, 25 एंड 76, रिसेंट मैच में भी 18, मतलब डिसेंट खेले अभी तक इस टूर्नामेंट में गाइज। लेकिन हसमतुल्ला साहिदी हर मैच में बहुत अच्छा खेले, 58 नॉट आउट, 29 नॉट आउट, 51 56 42, एकदम कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। ठीक है, अफगानिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं गाइस ओडीआई फॉर्मेट के। ठीक है, आई थिंक टेस्ट में भी यही कैप्टन है, तो दो फॉर्मेट के कैप्टन है, काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, इनका ध्यान रखिएगा। फिर सिनवारे आते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर, अफगानिस्तान के लिए काफ़ी खेल चुके हैं, इनका भी परफॉर्मेंस ठीक रहा है, 40 नॉट आउट, 72 32, बॉलिंग बहुत कम अब कर रहे हैं, पहले ज़्यादा डालते थे, एक ही ओवर की बॉलिंग की है टूर्नामेंट में जिनमें विकेट नहीं मिला है। मुनीर अहमद कुछ खास नहीं कर पाए, सुलेमान साफ़ी को भी गाइस एक ही मैच के लिए जिसमें 7 नॉट आउट, अब्दुल रहमान का देखेंगे एक ही मैच में बैटिंग आई है जिसमें 2 नॉट आउट, लेकिन 19 ओवर की बॉलिंग में इनके नाम पर 7 विकेट है अभी तक 5 मैचेस में। जियाउर रहमान बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 20 ओवर डाले, यानी कि टोटल पूरे 4 ओवर की बॉलिंग इन्होंने हर मैच में की है जिसमें गाइज इनके नाम पर 10 विकेट है। ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है जियाउर रहमान ने, ध्यान रखिएगा। एम सलीम 20 ओवर की बॉलिंग में 5 विकेट, फजल हक फारूकी ये भी बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, 20 ओवर की बॉलिंग में इनके नाम पर भी 7 विकेट हैं, और अहमद जिया जो कि एक ही मैच खेले हैं जिसमें इनको 2 ओवर की बॉलिंग मिली और 2 विकेट इनको मिला। ठीक है, तो ये गाइज हमने बीओएस टीम के हर एक प्लेयर के बारे में एकदम अच्छे से सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब चलिए गाइज यहाँ पर अपनी टीम डिस्कस कर लेते हैं। टीम डिस्कस करने से पहले गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, साथ में आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं गाइज, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। ठीक है, आप जितना ज़्यादा गाइज वीडियो में सपोर्ट करेंगे उतनी कमाल की मैं वीडियो बनाने की पूरी ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आपके ऊपर है, अपना सपोर्ट वीडियो में दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर आपको मोहम्मद सरजाद, एम अहमद और ए जजाई तीनों प्लेयर खेलते दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गाइस T20 के हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेयर मोहम्मद सहजादी हैं। ठीक है, पावर हिटर हैं, जब चलते हैं बहुत चलते हैं, वरना कुछ नहीं करते हैं। इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए, फिर भी गाइज मेरे हिसाब से स्मॉली के हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन है जो कि वो आपको ओपनिंग पर मिल जाएंगे और साथ में विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो स्मॉलिंग में आप इनको ही लेकर चलिए। एम अहमद को बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ए जजाई अच्छे प्लेयर हैं, जल्दी विकेट देना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उतना अच्छा टूर्नामेंट में नहीं कर पाए, लेकिन आपके लिए अच्छे डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं, ग्रैंड लीग में मस्ट ट्राई रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं बैटर सेक्शन पर, जहां पर हसमतुल्ला सहदी और असगर अफगान अपनी अपनी टीम के सबसे मेन बैटर्स हैं, तो दोनों को हम अपनी टीम में जरूर लेंगे गाइस। फिर नीचे से आएंगे तो एस अटल ओपनिंग पर है जो कि कुछ खास नहीं कर पाए हैं, ए नूर का भी देखेंगे गाइस कुछ खास नहीं कर पाए। मैं यहां से हसन ईजा खेल को लूंगा जो कि ओपनिंग पर है और ठीक खेले हैं। ठीक है, एक इनिंग बहुत अच्छा खेले थे गाइस 70 से ऊपर की, तो मैं इनको टीम में लेकर जा रहा हूं। यहां पर आपके पास हैं गाइज यहाँ पर ए नूर हैं, एस अतल हैं, लेकिन मैं उतना ध्यान देने को आपको किसी पर नहीं कहूँगा। ठीक है, अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर, जहाँ पर गुलवदीन ने मस्ट पिक हैं, 2 से 3 ओवर की बॉलिंग, साथ में आपको 4 डाउन बैटिंग करके देंगे, काफ़ी क्वालिटी ऑलराउंडर हैं। ठीक है, तो इनको हमने टीम में ले लिया। फिर आपके पास सिनवारी हैं जो कि बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बॉलिंग बहुत कम एक्सपेक्ट करिए गाइज, लेकिन अच्छे रन कर रहे हैं, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं अपनी टीम में। ठीक है, आई अहमद को गाइज मैं जरूर लूँगा अपनी टीम में, कुछ बॉलिंग करें 1 से 2 ओवर और साथ में अच्छे खासे रन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक्चुअली अच्छे डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं, मैं अपनी टीम में इनको जरूर लेके जा रहा हूँ। फिर जेड अकबर तो मस्ट पिक है, 10 विकेट ऑलरेडी टूर्नामेंट में ले चुके हैं, 20 ओवर की बॉलिंग में बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, इनके बिना जाना तो बिल्कुल नहीं है गाइस। ठीक है, फिर एन खरोटे, एस सफी, इन सबको ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर किसी को लेना है तो आप सिनवारी को लीजिए, वरना किसी पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पर, जहाँ पर जहीर खान मेरे लिए नंबर 1 चॉइस है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं गाइस, विकेट टेकर हैं, आपने इनको बिग बैश लीग में और भी काफ़ी सारे डिफरेंट T20 लीग्स में खेलते देखा होगा, अफगानिस्तान के लिए भी खेलते देखा होगा, तो ये मेरे लिए नंबर 1 चॉइस है गाइस। ठीक है, तो इनको मैंने सबसे पहले ले लिया। नेक्स्ट मैं लूंगा अब्दुल रहमान को, ये मेरे लिए सेकंड चॉइस है। क्यों सेकंड चॉइस है? बिकॉज 5 डाउन पर ये मुझे बैटिंग भी करके देंगे और साथ में गाइस ये डेथ में बॉलिंग कराते हैं, ये इनकी एक खासियत है। ठीक है, जिसके चलते नेक्स्ट मैं इनको टीम में कंसीडर कर रहा हूँ, वाली सिलेक्शन कम है लेकिन अच्छे डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट गाइस यहाँ पर मैं फजल हक फारूकी को लूंगा, ये भी गाइस आपके लिए मस्ट पिक होने चाहिए। ठीक है, फजल हक फारूकी आपके लिए
मस्ट पिक होने चाहिए। बहुत कमाल के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जो कि स्टार्टिंग में भी डालते हैं और डेथ में भी डालते हैं। अभी रिसेंट में अफगानिस्तान टीम के सबसे मेन यहाँ पर वाइड बॉल के बॉलर हैं, ठीक है, तो इनके बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा इस, ठीक है। रिसेंट में आपने इनको सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से IPL में भी खेलते देखा होगा, ठीक है, तो इनको भी आप टीम में जरूर लीजिए। अब गाइज आपके पास ऑप्शन है आमिर हमजा, ठीक है, आप इनको ले सकते हैं। एस सफ़ी हैं, अच्छे डिफरेंशियल पिक, ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा जरूर, अगर स्मॉल लीग में ना ले पाए तो। मीर हमजा काफ़ी अच्छे डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं आपके लिए, काफ़ी अच्छी बॉलिंग इन्होंने की है, ठीक है, और नीचे से तो ज़्यादा मैं सजेस्ट किसी को नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी हमें एक प्लेयर लेना है, आपको अगर बैटर चाहिए तो आप यहाँ पर सिनवारी को लीजिए, एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए तो आप आमिर हमजा और मीर हमजा में से किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है। एस सफ़ी भी हैं गाइज, अच्छे बॉलर, ग्रैंड लीग में आप इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा अगर स्मॉल लीग में ना ट्राई कर पाए तो, ठीक है। मैं अभी के लिए मीर हमजा के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज ये बनता है अभी के लिए टीम का प्रीव्यू। इसमें अगर मैं CVC के अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपके पास गुलबदी नेम, ठीक है, हसमतुल्ला शहीदी, ठीक है, ये दोनों प्लेयर्स। उसके अलावा गाइज यहाँ पर फजल हक फारूकी, ठीक है, और साथ में जैड अकबर, ये चार प्लेयर आपके लिए बेस्ट CVC के ऑप्शन है। इनमें से अगर आप अपना CVC करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझसे पूछेंगे गाइज तो मेरे कैप्टन है गुलबदीन नेव, और वाइस कैप्टनसी में मैं काफ़ी सोच रहा था हसमतुल्ला शहीदी और फजल हक फारूकी में, लेकिन अभी के लिए गाइज मैं फजल हक फारूकी के साथ एज अ VC जा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो जैड अकबर के साथ भी जा सकते हैं एज अ CVC, साथ में हसमतुल्ला शहीदी तो आपके लिए है ही गाइज सेफ CVC का ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, आप चाहें तो इन दोनों को भी CVC कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये बनता है अभी के लिए टीम का प्रीव्यू। इसमें डेफिनेटली 100% टीम में चेंजेस होने वाली है, फाइनल टीम अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, सो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल टीम अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी गाइज। वैसे मैं आपको टीम कॉपी पेस्ट करना रिकमेंड नहीं करता हूँ गाइज, फिर भी आप एक बार मेरी फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल से ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा और आपको खुद का डिसीजन लेने में आसानी होगा, ठीक है गाइज। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो बहुत जल्द गाइज मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।